मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। ये सिर्फ अचानक ही मार्ज वजूद में नहीं आया, बल्कि इसके लिए बहुत पहले से कोशिशें, मेहनतें और कुर्बानियां जारी थी। अंग्रेज़ों के साथ 1857 की जंग आज़ादी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के लिए तैयारियां और अलग मुल्क हासिल करने की कोशिशें 90 साल पहले से जारी थी और हमारे अकाबिर उलमा ने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी जिसको जंग आज़ादी का नाम दिया गया। आज भी बालाकोट के पहाड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उलमा जंग आज़ादी में शरीक हुए और लड़ते लड़ते अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। हजरत सैयद अहमद शहीद, मौलाना शाह इस्माइल शहीद और इसी तरह हाफिज जामिन शहीद, मौलाना कासिम ननौतवी उलमा की एक लंबी फहरिस्त है कि जिन्होंने अलग मुल्क हासिल करने के लिए, अंग्रेज से आज़ादी हासिल करने के लिए जंग लड़ी है और मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अनगिनत लोगों की कोशिशें और कुर्बानियां शामिल हैं। सिर्फ अवाम ही नहीं, इसमें बड़े उलमा का खून भी शामिल है। इसकी बुनियादों में कई अकाबिर बुजुर्गान दीन, उनका भी खून शामिल है। सर फहरिस्त हजरत मौलाना जाफिर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी इसी जंग आज़ादी की पादाश में जेल में डाल दिया गया और काफ़ी अरसा जेल में जिंदगी गुजारने लगे। कोटलखपत जेल से मुल्तान जेल का फैसला हुआ, हजरत मुल्तान जेल में गए, जज के सामने खड़े हैं, जज ने फैसला दिया कि इनको सूली पे लटका दिया जाए। हजरत आंखों से आंसुओं के साथ रोने लगे। जज ने कहा कि मौत से डर कर रोने लगे हो? तो मौलाना जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, नहीं, इस वजह से नहीं, ये खुशी के आंसू हैं कि ये जान पैगंबर के लिए, दीन के लिए कुर्बान हो जाए। एक जान नहीं, सैकड़ों जाने भी होती आज कुर्बान कर देता। तो हजरत की इस बात को सुनकर अंग्रेज से रहा ना गया कि उलमा को खुश रखा देखा जाए, उलमा किसी भी सूरत में खुश न रहें। अंग्रेज ने इसके लिए पूरी कोशिश की और बल्कि यहां तक के हजरत की दाढ़ी तक काट दी। जब हजरत की दाढ़ी कटी, हजरत खुशी से झूमने लगे कि चलो जान न सही, आज दाढ़ी पैगंबर के लिए कुर्बान हो गई है। हजरत पर पहले फांसी के आर्डर दिए। जब हजरत खुशी से रोने लगे तो मौलाना जाफिर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि ये तो खुशी से रो रहा हूं, मौत से डर कर नहीं। अंग्रेज ने फांसी के आर्डर कैंसिल करके हमेशा के लिए, जिसको उम्र कैद की सजा कही जाती है, उम्र कैद की सजा सुना दी। तो हजरत जेल में गए, मुसीबतों वाली, तकलीफों वाली बामुशक्कत उन्होंने कैद काटी। किस वजह से? सिर्फ अलग वतन हासिल करने की वजह से। तो ये कुर्बानियों का सिलसिला पीछे से, पहले से चलता आ रहा है। 1857 से लेकर ये 1947 तक 90 साल का अरसा बनता है। ये उलमा की कुर्बानियों से सारा अरसा भरा पड़ा है। तारीख के अंदर लिखा है कि उलमा की कुर्बानियां इतनी, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई एक दरख्त भी ऐसा नहीं था कि जिस पर किसी आलिम की लाश न लटकी हुई हो। इसी तरह जब मुल्क पाकिस्तान बना तो इस्लामी आइन बनाने में उलमा का किरदार है। जब पाकिस्तान बन रहा था, इसकी तैयारियां हो रही थी, कायदे आजम मौलाना अशरफ अली थानवी के पास गए कि हजरत आपकी कोशिश और मेहनत से ही ये मुल्क मर्ज वजूद में आ सकता है। हजरत ने अपने तरबियत याफ्ता शगिर्द अलामा शबीर अहमद उस्मानी, इसी तरह अलामा जफर अहमद उस्मानी और मुफ्ती आजम मुफ्ती शफी और दीगर उलमा, उन हजरात की ड्यूटी लगा दी कि आपने कायद आजम के साथ मिलकर तहरीक चलानी है अलग मुल्क को हासिल करने के लिए। तो अलग मुल्क हासिल करने के लिए कायद आजम उलमा को साथ लेकर क्यों चल रहा था?
वो भी इस बात को जानता था कि अवाम को कायल करने में, अवाम की जहन साजी करने में, अवाम को इस बात पर लाने में कि हमने अलग मुल्क हासिल करना है, जो काम उलमा कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। यही वजह है कि कैद आजम पर भी मेहनत करने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी थे। कैद आजम अंग्रेज से पढ़ा और फिर यहां पर आया, अलग मुल्क हासिल करने की कोशिश करने लगा। अंग्रेज तो कैद आजम तो सूटेड बूटेड आदमी, उस पर मेहनत करके जना कैब पहनाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी, उसको लंबा जुब्बा पहनाने वाले, उसको नमाज पर लगाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी थे। मौलाना अशरफ अली थानवी समझते थे कि कायदे आजम जो एक लीड कर रहा है, एक कायदाना सलाहियत रखता है और मुल्क के पाकिस्तान के लिए कोशिशें कर रहा है, अलग मुल्क हासिल होकर रहेगा तो क्यों ना हम इसी बंदे पर मेहनत करें। कायदे आजम पर मेहनत करने वाले भी मौलाना अशरफ अली थानवी थे। और जब मुल्क पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनने के बाद उलमा इकट्ठे होकर कायदे आजम के पास गए, कायदे आजम मुबारक हो पाकिस्तान बन गया। कायदे आजम ने कहा कि मुबारक मुझे नहीं, मुबारक तुम्हें हो, ये तुम्हारी कोशिशों, मेहनतों और कुर्बानियों से बना है, अगर तुम साथ न देते तो शायद बहुत मुश्किल काम था। तो पाकिस्तान बनाने में उलमा का बड़ा किरदार है, उलमा की बड़ी कुर्बानियां। बल्कि यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि हमारे मुल्क का सूबा सरहद, यहां इसको भी मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलाने में उलमा का किरदार है। अलामा शबीर अहमद उस्मानी, अलामा जफर अहमद उस्मानी कराची से लेकर सफर करते हुए जलसे और जुलूस की शक्ल में पिशावर तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं, अवाम को कायल करने के लिए, अवाम को इस बात की तरफ लाने के लिए हमने अलग मुल्क हासिल करके रहना है। तो कायद आजम और उलमा और अवाम, इन सब की मेहनतों, कुर्बानियों और कोशिशों से मुल्क पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। और इसी तरह उलमा का क्या किरदार और क्या हिस्सा, इस बात को हम ही नहीं, इस बात को कायदे आजम खुद तस्लीम करता था। और यही वजह थी कि जिस वक्त मुल्क पाकिस्तान बना, उस वक्त मगरबी पाकिस्तान जो हमारा मौजूदा इस वक्त मुल्क पाकिस्तान है, यहां पर कराची में पाकिस्तान का परचम लहराने वाले अलामा शबीर अहमद उस्मानी हैं। और मशरकी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का पहले हिस्सा था, अब मौजूदा बांग्लादेश ढाका के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराने वाले अलामा जफर अहमद उस्मानी हैं। और इसी तरह कैद आजम दुनिया से जाते हुए वसीयत करके गया था कि मेरा जनाजा अलामा शबीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे। कायद आजम का उलमा के साथ बड़ा लगाव था, उलमा के साथ बड़ा प्यार था, उलमा को साथ लेके चलता था। कायद आजम इस बात को तस्लीम करता था कि उलमा की कुर्बानियां, उलमा की मेहनतें और कोशिशें हैं, इस वजह से दुनिया से जाते हुए वसीयत करके गया कि मेरा जनाजा भी ये अलामा शबीर अहमद उस्मानी ही पढ़ाएंगे। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान के दस्तूर आइन, दस्तूर साज असेंबली की जब बात आती है, या इसी तरह इस्लामी कानून बनाने की बात आती है, तब भी उलमा पेश पेश थे। मुल्क पाकिस्तान का कानून इस्लामी होना चाहिए, उलमा का किरदार है कि मुल्क पाकिस्तान का कानून फिर इस्लाम के मुताबिक, ये कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक बना है, ये भी उलमा का किरदार है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन उलमा की कुर्बानियों को सामने रखते हुए उलमा के लिए जहाँ तक हो सके उनके लिए दुआए मगफिरत, दुआए निजात करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।